दिनों लगातार सुर्खियों में बना हुआ है नागिन 4। जी हाँ, नागिन का सीजन 4 आने वाला है और ऐसे में इस सीरियल के लिए चुन ली गई निया शर्मा, और ऐसे में निया शर्मा लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप एक बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि शो में आने के लिए निया शर्मा ने सबसे बड़ा त्याग कर दिया। जहां एक ओर एक्ट्रेस निया शर्मा अपनी खूबसूरती, हॉटनेस और फिटनेस के लिए जानी जाती हैं, वहीं वो शो में लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि शो में आने के लिए निया ने ऐसा कौन सा बड़ा त्याग कर दिया। बता दें आपको कि हाल ही में एक्ट्रेस ने बताया था कि वो एक बीमारी से पीड़ित रह चुकी हैं, लेकिन अब वो खुश हैं और उन्हें इससे छुटकारा भी मिल गया है। वहीं उनके इंटरव्यू के मुताबिक आपको ये भी बता दें कि वो अपने वजन को लेकर पहले बहुत सोचती थी और उनका 1 किलो वजन बढ़ भी गया था। ऐसे में वो परेशान हो जाती थी और उन्होंने आगे ये भी कहा है कि लोगों ने हमेशा मुझे फिट और अच्छे फिगर में ही देखा है, जिसे मैंने अच्छी तरह मेंटेन किया है। लेकिन समय के साथ ऐसे कई साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जिनसे अपना वजन बढ़ जाता है। पिछले कुछ सालों में मुझे वजन बढ़ने का डर सताता रहा। मैं थोड़ा सा वजन बढ़ने से भी परेशान हो जाती हूँ और अपने दोस्तों से इसी बारे में बातें भी होती रहती हैं। वैसे फ्रेंड्स, बात की जाए उनकी त्याग की, तो बता दें आपको निया शर्मा ने कहा है कि वो स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करती थी और कभी कुछ गलत नहीं खाती थी। जब वो ज़्यादा खा लेती थी तो मुझे पछतावा होता था और ऐसा मैंने कई सालों तक किया। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि मैं अपनी लंच और डिनर कई बार छोड़ देती थी, केवल प्रोटीन शेक लेती थी और मुझे लगता था कि हेल्दी रहने के लिए केवल वर्कआउट नहीं बल्कि हेल्दी डाइट भी जरूरी है। मैं ईटिंग डिसऑर्डर से पीड़ित रह चुकी हूँ और खुश हूँ कि मैं इससे अब बाहर आ गई हूँ। वहीं शो की बात की जाए तो शो को लेकर भी उनसे पूछा गया और उन्होंने शो में आने के लिए सबसे बड़ा त्याग ये कर डाला कि उन्होंने खाना तक छोड़ दिया। जी हाँ, दर्शकों, खुद को मेंटेन रखने के लिए जानी जाती हैं निया शर्मा, और शो में जब वो चुन ली गई तो उन्होंने अपने वेट को कम करने के लिए ये सबसे बड़ा त्याग कर डाला। वेल फ्रेंड्स, आपको निया शर्मा की ये आदत कैसी लगी और आपको कैसी लगती हैं निया शर्मा, ये आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, अगली बार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ से। प्रांशी की रिपोर्ट।